हेलो स्टूडेंट, स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल दे विच। अज आपां इस वीडियो दे अंदर जमात 11वीं वालियां दा सितंबर 2023 दा जिहड़ा कि इतिहास विषय दा पेपर लैके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। बच्चे वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो, अगर चैनल ते नवे हो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो। तो आप स्टार्ट करते हैं, सब तो पहला भाग उड़ा आएगा। भाग उड़े दे विच थानू जिहड़ा कि थोड़े इतिहास पेपर दे कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर तुसी ये वाले सारे पार्ट नू बड़े ध्यान नाल देखते हो तो यह पार्ट थोड़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 1-1 मार्क्स करके थोड़े मार्क्स कटते हैं। तो इन्हें ध्यान नाल देखो, रचना दे समय अनुसार वेदा का सही कालक्रम की है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? ठीक है, तो तुसी सारे दसने ने इहदा क्रम। अगे हैगा यह स्थान रावी नदी दे कंढे है, ठीक है। अगे नैक्सट हैगा यह स्थान दी खोज डी आ सहानी ने कीती। यह स्थान है किने कीती सीगी? तां रोपड़, संघोल, सनेत या हड़प्पा, ठीक है। अगे नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा कि बच्चे तुहाडा हैगा हैगा आर्या दे मूल निवास सिद्धांतां दा किहड़ा जुट गलत है? स्वपन सिद्धू दा, संपूर्णानंद दा, तिब्बत दा यही हैगा तिब्बत दा स्वामी दयानंद, यूराल पर्बत दा मैक्स मुलर, ठीक है। तो तुसीं दसना किहड़ा है। अगे हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही है? जैन धर्म दे 23वें तीर्थ यंत्र ऋषिवेप वेद सन, जैन धर्म दे 23वें तीर्थ यंत्र महावीर सन, तो किहड़े सन उह तुसीं दसने। अगे सिद्धू घाटी सभ्यता नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है? ठीक है, इहदे विच सुमेर सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कुशाण सभ्यता या वैदिक सभ्यता। नैक्सट हैगा मौर्या काल संबंधी किहड़ा कथन सही है? चंद्रगुप्त मौर्या की राजधानी तश्कीला, चंद्रगुप्त मौर्या की राजधानी मथुरा सी। इस तरीके नाल तुसीं सारयां दे आंसर देने। गुप्त वंश के शासकों का सही कालक्रम दसो? चंद्रगुप्त पहला, समुद्रगुप्त, श्री गुप्त, चंद्रगुप्त दूजा, ठीक है। इहनां दे नाल तुसीं कालक्रम करना है। ध्यान नाल पढ़ो तो उत्तर दिओ। वंश शासक सुंग, गौतिम, पुर, सतकर्णी, कुसान दा, पुष्यमित्र, सातवाहन दा मौर्य, अशोक दा कनिषक, ठीक है। तो तुसी इना दे भी आंसर देने ने। उपरोक्त आधार ते केड़ा सही है? वह सही तुसी दसना है केड़ा है। नैक्सट क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तान वंश दे सही क्रम वाल लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों तुसी सारा ध्यान नाल देखो। तो अगे हैगा भाग ऐड़ा, हरेक प्रश्न का उत्तर एक शब्द जां एक लाइन विच दिओ। पंजाब दी धरती दे किहड़े वेदा दी रचना कीती गई? महात्मा बुद्ध दा जन्म कित्थे होया? अशोक दे पिता दा की नां सी? कालिदास दी किस समय रचना दा नाम लिखो? भारत दा नैपोलियन किसनू कहा जांदा है? पालव दा संस्थापक कौन सी? पृथ्वीराज हरासो किसकी रचना है? कनिष्क किस वंश दा शासक सी? बामणी साम्राज की राजधानी दसो। विजयनगर साम्राज दे किसे एक शासक का नाम दसो। नैक्सट हैगा पांच प्रश्न हैगे, हरेक प्रश्न दो प्रश्न करने होंगे। हरेक प्रश्न का उत्तर जिहड़ा 30 तों 35 शब्दों में होगा। सिद्धू घाटी सभ्यता का विस्थार दसो। सभा अते संपत्ति ते नोट लिखो। त्रै रतन तो की भाव है? अशोक दे धम ते नोट लिखो, ठीक है। अगे नैक्सट आ जाता हेठ दिते पैरे नूं ध्यान नाल पढ़ के हेठ दिते प्रश्नों के उत्तर लिखने ने। यह सारा पैराग्राफ बच्चे तुसीं खुद पढ़ना है, तो खुद इन्हां दे जिहड़े नीचे आंसर दिते गए ने देने ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है, तो कुछ इहदे विच याद करन दी तुहानूं जरूरत नहीं हैगी। तुसीं बस पैरा पढ़ना है, पैरा पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने ने, ठीक है। उस तो अगे नैक्सट एक होर पैरा है, पैरा पढ़ना है, पैरा पढ़ के उहनां दे भी आंसर तुसीं उस पैरे चों ही देने ने, ठीक है। ये पांच देख लो, 10 नंबर थोड़े जिहड़े कि ने इस पैराग्राफ नूं पढ़न दे नाल ही कवर हो जाएंगे, जिहदे नाल तुसीं कि अपने पास होने का नंबर जिहड़े कि कर सकते हो। तो इसलिए तुहानूं कुछ याद करन दी जरूरत नहीं हैगी। उस तो अगे नैक्सट भाग हाहा आ जाता है, कोई दो प्रश्नों के उत्तर देने। हरेक प्रश्न का उत्तर जिहड़ा 100 तों 150 शब्दों में होना चाहिए। सिद्धू घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करो। नैक्सट हैगा अष्ट मार्ग ते नोट लिखो। गुप्त काल नूं भारत दा सुनहरी काल क्यों कहा जाता है? अगे हर्षवर्धन दे शासन प्रबंध की जानकारी दिओ। अगे कोई दो प्रश्नों के उत्तर, हरेक प्रश्न का उत्तर 100 या 150 शब्दों में लिखो। समंत व्यवस्था की विशेषतावां दसो। बलबन की लहू ते लोहे की नीति का वर्णन करो। अलाउद्दीन खलजी के आर्थिक सुधारों की चर्चा करो। विजयनगर साम्राज अधीन समाजिक जीवन किहो जिहा सी?
ठीक है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो तो पेपर में देखने को तुम्हें मिल सकते हैं। अगे हैगा मानचित्र, भारत के मानचित्र सिद्धू घाटी सभ्यता के कोई पांच स्थान दर्शाओ। दर्शाए गए हरेक स्थान पर 25 या 20 शब्दों लिखो भारत का मानचित्र अशोक साम्राज्य दर्शाओ। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने बच्चो। अगर चैनल पर नवे हो चैनल सबसक्राइब कर लो, वीडियो वधिया लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। थैंक यू।